हेलो नमस्ते यारों, स्वागत है आप सभी लोगों का बीटीफर्स गेमिंग के एक और फ्रेश वीडियो में। तो यार कैसे हो सारे? तो यार देखो, आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला ही होने वाली, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई जो आजकल क्या चल रहा है गेम में, आईडी चोरी जो हो रहा है, ठीक है गाइस। और यहाँ गाइस आईडी बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है, और ये कौन चोरी करता है, और ये करके ये लोग करते क्या आपकी आईडी के साथ, सब बताऊँगा। और मेरे साथ भी इस आईडी चोरी, मतलब मेरी भी आईडी चोरी होने वाली थी, तो यार इस इंसिडेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। इवन कि मेरे एक फ्रेंड की भी आईडी चोरी हो गई थी, मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देता हूँ यार किस बंदे ने आईडी चुराई थी। तो ये वाला जो देख सकते हो सेकेंड नंबर पर, मिस्टर दानिश नाम है, ठीक है। तो हाँ देख लो, मैंने इंस्पेक्ट कर लिया, यही बंदा था जो जिसने आईडी चोरी की थी। मैंने इसे स्टार फ्रेंड इसलिए करके रखा है क्योंकि यार ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने करके रखा है। और किसकी आईडी चुराई थी मैं ये भी बता देता हूँ। ये देखो, ये जो तेजस नाम का बंदा है, इसी की आईडी चुराई थी। मैं इसको भी इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, इतनी जहर आईडी है इसके पास, मतलब यार सारा चीज़ अभी 2 सीज़न से जितने ही लाइट बास है और जितने भी कपड़े आते हैं सब ये ले के रखता है। ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो यार भाई इसकी आईडी भी इसने, इस बंदे ने चुरा ली थी। और कैसे चुराई थी और मेरे साथ इसने, इस बंदे ने मतलब क्या किया था, मैंने सब चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और हाँ भाई वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि भाई आप शेयर करोगे तो यार आपकी आईडी भी बच जाएगी और आपके फ्रेंड की भी आईडी बच जाएगी। यहाँ तक देखो, मेरी खुद की फ्रेंड की आईडी जब नहीं बच पाई, अगर उसको ये बात नहीं पता होता तो मैंने उसे नहीं बताया था, क्योंकि यार लॉकडाउन चल रहा था इसके कारण। तो आप लोग को भाई अभी मैंने वीडियो बनाया, तो यार जाओ उन्हें बताओ, ठीक है गाइस। तो मैं बताता हूँ यार हुआ क्या था मेरे साथ। देखो यार, वो बंदा ने सीधे मेरे क्या किया, मेरा आईडी चुराया, मतलब चुराया नहीं था, उसने मेरे को बोला कि भाई तू मेरे को पैन वाला जो इवेंट आया है मैं तेरा टॉपअप कर दूँ। मैंने बोला ठीक है भाई टॉपअप मार दे। तो यार उस बंदे ने बोला कि ठीक है भाई मैं मार दूंगा, बट उसके लिए तेरे को अपनी आईडी देनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, ये रही यूआईडी, ले ले। लेकिन उसने बोला ना भाई, मैं तेरी यूआईडी नहीं, मैं तेरी फेसबुक आईडी मांग रहा हूँ और पासवर्ड मांग रहा हूँ। मैं यार समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे पूछा भाई तू टॉपअप मारता है तो क्या चीज़ से मारता है, तो उसने बोला भाई मैं पेटीएम से मारता हूँ। मैं यार वहीं समझ कि बंदा फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि भाई पेटीएम से टॉपअप नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेटीएम से वेबसाइट से टॉपअप होता है, गेम में टॉपअप नहीं होता। गेम में आपको गूगल या बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगता है। तो गाइस मैंने सिंपल बोला कि ठीक है भाई तू पेटीएम से मारता है ना, तो कूडा शॉप से मार। तो यार उसने मना कर दिया, बोला नहीं भाई मैं कूडा शॉप से नहीं होगा, मैं तेरी आईडी ही लूंगा लूंगा। मैंने यार उसे पूरा तंग कर दिया, यार मेरा फेसबुक क्या नंबर चेंज हो गया, ये वो, मतलब मैंने उसे पूरा परेशान कर दिया। तो यार भाई लास्ट लास्ट में यार उस बंदे ने एक बात मेरे को बताया कि हाँ भाई मैं आईडी चोरी करता हूँ, मैं आईडी चोरी करता हूँ, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भाई ठीक है तो आईडी चोरी करता, तो आईडी चोरी करने के बाद उस करता क्या है? तो यार मेरे को लगा वो गेम खेलता होगा या फिर वो आईडी अपनी शो ऑफ के लिए रखता होगा इतनी। तो यार उसने बोला नहीं भाई मैं आईडी शो ऑफ या गेम खेलने के लिए नहीं खेलता, मैं अपनी गेस्ट आईडी से ही खेलता हूँ, लेकिन मैं ये सारी आईडी को बेच देता हूँ। यार देखो यार उस बंदे का दिमाग देखो, वो सारी आईडी को क्या करता है, सिंपली सिंपली बेच देता है। मैंने उससे पूछा भाई तू बेच के करता क्या है, तो बोले उसने बोला भाई मैं पैसा ले लेता हूँ, उसके बाद भाई जिस भी बंदे का आईडी है, मैं मतलब जिसका भी आईडी है उसको तो यार वापस मिलेगा नहीं, और जिसको मैं बेचता हूँ मैं उसको दे देता हूँ। तो गाइस सेम चीज़ यार मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था, जिसका मैंने आप लोगों को दिखाया यार, उस बंदे की भी आईडी इसने चोरी कर ली थी। क्यों? क्योंकि यार उसको भी टॉपअप करना था, और एक टाइम का वो टॉपअप नहीं मार पाया था, शायद यही पैन वाला टॉपअप उसने नहीं मारा था, तो यार बाद में उसने मार लिया। लेकिन यार उस बंदे ने उसकी आईडी यही बोल के चोरी कर ली, और लगभग बहुत दिन से उस बंदे, मतलब बहुत दिन से वो मेरे साथ नहीं खेल रहा था। तो यार मैंने पूछा भाई तुम क्यों नहीं खेल रहा मेरे साथ, तो यार उसने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया और अचानक से ऑफलाइन हो गया। तो यार उसका नाम भी चेंज कर दिया था इस बंदे ने, सब चीज़ चेंज कर दिया। तो लास्ट में यार जब उसके घर मेरे बगल में है, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हुई थी, क्या सिचुएशन था। तो उसने मेरे को बताया कि हाँ भाई मेरी आईडी चोरी हो गई थी, इसी बंदे ने चोरी की थी, मैंने वापस पासवर्ड वगैरह चेंज करके उसे रिकवर किया। तो गाइस देखो, अब उस समय मेरे को ये बात पता था, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को नहीं बता पाया, ड्यू टू लॉकडाउन चल रहा था, बहुत चीज था, मैं उसके घर नहीं जा पा रहा था वायरस के कारण। तो गाइस आप लोग यार, अभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को करना कुछ नहीं, सिंपल भाई इस वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपकी आईडी बचेगी, आपकी फ्रेंड की आईडी बचेगी, और यार बहुत सारे बंदे की आईडी बच सकती है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को पूरा शेयर करो, और हाँ भाई जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं ऐसी नॉलेज वाली वीडियोज़ लाता हूँ यार, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता हूँ यार, तो उसे देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, मैं इस बार यार लाइक वगैरह कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम इसको शेयर करो, कि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने
को पता चलेगा कि भाई आईडी चोरी के बारे में। तो गाइस यही थी एक छोटी सी वीडियो, होप कि आपको पसंद है। अगर भाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई शेयर जरूर करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Tell me that you love